नमस्कार दोस्तों, मोरपिन लैब शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 3.56% के क्लियर आपको गिरावट तेजी नजर आ रहे हैं। तो उसी के साथ देखेंगे स्टॉक में एक बुलिश कैंडल यहाँ पर नजर आ रहे हैं और प्रीवियस कैंडल को बुलिश था। अब सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में तेजी आएगा, गिरावट आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा। सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हो मोरपिन लैब स्टॉक अब एक्जैक्टली यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था, इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखेंगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था 56 रुपये का, इसको भी ब्रेकआउट किया और एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे 74 का, इसको भी स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करके स्टॉक ने यहाँ पर जो हाई लगाया 100.66 में। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं डेली टाइम पर मैंने चार्ट लगाया और स्टॉक आपको कंटिन्यूसली नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर सपोर्ट लेकर के बाउंस भी किया है, तो आपके सामने जो रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है यहाँ पे 91 का, जब 91 को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक ऊपर बढ़ेगा और 100.66 का टारगेट को हिट करेगा। बाकी इसको ब्रेकआउट करेगा तो और भी तेजी आ सकता है, और इसके ऊपर का क्या क्या टारगेट रहेगा अगर हम उसके बारे में बात करें, तो पहला टारगेट आपके सामने रहेगा 115 का, दूसरा टारगेट आपके सामने रहेगा 138-139 में रहेगा, तीसरा टारगेट रहेगा 162 रुपये में एंड चौथा टारगेट 177 का। स्टॉक में दोस्तों बायस होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया, इस वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।